और आखिरकार शिबरा शामिर को अपने दिल की बात बता ही देती है वो कहती है कि तुम्हारे बाप ने मेरे बाप की किस तरह बेजती की मुझे तो तुम पर वैसे ही गिन आ रही है कि मैंने तुमको अपने दिल की बात क्यों बताई और मैं तुम्हारे साथ इतना फ्री क्यों थी आखिरकार शिबरा अपने दिल की बात शामिर को इस तरह बताती है लेकिन शामिर को इस बात पर काफी गुस्सा आता है और वो अपने बाप के पास जाता है वो अपने बाप दाऊद अली खान के पास जाकर उसे कहता है क्या तुम इस तरह करके शिवरा को मुझसे दूर कर सकते हो बिल्कुल भी नहीं और ऐसा मुमकिन भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं शिवरा को इतना चाहता हूँ कि आप लोगों के इस तरह की प्लानिंग से मैं बिल्कुल भी शिवरा से दूर नहीं जा सकता और मुझे पता है कि आप लोगों ने मेरे लिए एक प्लान बनाया है और ये आप लोगों का प्लान मैं कामयाब होने भी नहीं दे सकता और मैंने ये बात सबसे पहले आप लोगों को बता दी थी और अब मैं इस बात से पीछे हटने वाला भी नहीं हूँ और आप लोगों को क्या लगा की शिवरा हमारी दौलत के पीछे इस तरह मुझसे मोहब्बत करती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं बल्कि मैंने ही सबसे पहले शिवरा से मोहब्बत की शुरुआत की थी और मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानूंगा कि वो हमारे पैसे के पीछे है मुझे तो तभी उनका पूरी तरीके से पता चल गया था जब मैं गरीब बनकर उनके घर में रह रहा था और उन्होंने मुझे ना जानते हुए भी मेरे साथ इतना अच्छा सलूक किया अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा इसलिए आप मुझे माफ कर दें अगर आपको लगता है कि वो मेरी दौलत के पीछे है तो आप मुझे घर से निकाल दें फिर तो मेरे पास कोई दौलत तो नहीं रहेगी एक तरफ शामिर अपने बाप से शिप्रा के लिए लड़ रहा होता है और दूसरी ही तरफ शिपरा अपने बाप को समझाने की कोशिश करती है कि मैं शामिर को नहीं जा और मैं नहीं जानती थी की वो शामिर है इसलिए आप मुझे माफ़ कर दे मैं मजीद आपको नीचा नहीं दिखवा सकती मुझे पता है की दाऊद अली खान ने आपके साथ कैसा सलूक किया है और इसी सलूक की वजह ऐसी आज आप इतने परेशान है और मुझे पता है की इसमें आपको सारा मेरा ही कसूर लग रहा है चलो मैं मानती हूँ की इसमें मेरा कसूर है बस अब आप मुझे माफ़ कर दे और मैं मजीद आपकी दिल आजारी नहीं करवाना चाहती सुलेमान साहब अपनी बेटी को गले लगाता है और चाहता है की मुझे पता था की मेरी बेटी मेरा साथ नहीं छोड़ सकती और मुझे तुम आरोप फखर है इसी के साथ साथ मान साहब अपनी बेगम को कहता है कि अब शिबरा की शादी की हमें तैयारियां करनी चाहिए क्योंकि शामिर अब शिबरा को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है और मैं दाऊद अली खान के सामने जाना भी गवारा नहीं समझता घर में परेशानी का आलम फैल जाता है और दूसरी तरफ महरीन अपने बाप को कहती है आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं मैंने और दाऊद अंकल ने प्लान बनाया है अगर हम इस प्लान में कामयाब हो जाते हैं तब तो ठीक है वरना ना तो शिबरा शामिर की हो सकेगी और ना ही किसी और की क्योंकि महरीन ने शिबरा को कत्ल करवाने का प्लान बनाया है तरह शिबरा अब शामीर को भी ये बात बता देगी की मैं आपकी बात आरोप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती और मैंने अपने बाप ऐसी बड़ी मुश्किल ऐसी माफ़ी मांगी है और मैं मजीद अपने बाप की दिल आजारी नहीं कर सकती और इसी के साथ शिबरा अपना फोन काट देती है अब दाऊद अली खान की इनकारी पर शामिर के साथ क्या कुछ हो सकता है ये तो आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा लेकिन शायक को लग रहा है कि शायद आखिरी एपिसोड में शामिर की मौत हो जाए लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाएगा सुलेमान अहमद का फैसला तो आखिरी यही होगा की जल्द अज जल्द वो से शिबरा की शादी करवा दे शिबरा अपने बाप सुलेमान अहमद को कहती है की बाबा मैं आपकी बात का इनकार तो नहीं कर सकती लेकिन ये जरूर बता दूँ की शामिर मेरे बगैर रह नहीं पाएगा शायद वो मर जाए लेकिन सुलेमान अहमद को इस बात पर कोई टेंशन नहीं होती सो कहना भी शिवरा से कहती है कि शामिर भाई तुमसे बेहद मोहब्बत करता है उसे तुमसे मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा ना दो आपको जो कुछ भी लगता है कि शामिर ने आप लोगों के साथ अच्छा किया या बुरा लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हें पाने के लिए ही किया दाऊद अली खान इस बात आरोप काफी हैरान भी होता है कि शामिर को उस लड़की में आकर क्या दिख गया कि वो उसके पीछे इतना पागल हो गया है कि उसे तो अपने बाप तक की फिक्र नहीं और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा एक लड़की के पीछे इतना पागल हो सकता है कि वो अपने आप को एक कमरे तक महदूद कर ले दूसरी तरफ शिप्रा की दोस्त शिप्रा को बताती है की प्लीज आप शामीर की जिंदगी बचा लो वो तुम्हें तो कुछ नहीं बोल सकता लेकिन अंदर ही अंदर में मर रहा है दोस्तों आप लोगों को इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग चाहिए या सैड हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी ऐसी बताइएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले मजीद अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में